हे एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे होने पर हस्बैंड वाइफ को क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। वेल, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीजन बीइंग, जैसे ही इनकम टैक्स को इस तरीके से समझा जाता है या किसी भी टैक्स लॉस को इस तरीके से समझा जाता है तो वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और इन्जॉय करने लगते हैं आप लोग उस एक्ट को। तो इसी तरीके से आज इस वीडियो को हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे होने पर टैक्स में क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर हम समरी में बात करें तो मेजरली चार पॉइंट्स हैं जो चार बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला तो ट्यूशन फीस अगर आप अपने बच्चे की पे करते हैं तो 80C में आप अप टू 1,50,000 तक उसको क्लेम कर सकते हैं। ये तो था पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो वो भी 100 रुपीज पर बच्चा अलाउ होता है, इट मीन्स एग्जेम्प्ट होता है, और वो अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड अलाउ होता है। सो ये भी था एक सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है और आपको हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है अपने बच्चों के लिए तो वो भी 300 रुपीज पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है, अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड। फोर्थ पॉइंट, अगर आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी अंडर सेक्शन 80E एग्जेम्प्ट होता है। अब आपके मन में पॉइंट आ रहा होगा कि नेहा, अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं? वेल, सबसे बड़ा बेनिफिट सुकन्या समृद्धि योजना। तो लड़कियों के लिए बहुत कुछ टाइम पहले ही एक सुकन्या समृद्धि योजना नाम की एक स्कीम आई थी। तो इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C में तो अप टू 1,50,000 की डिडक्शन मिलती ही मिलती है, साथ में इसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। तो ये भी एक अच्छा फायदा है। और प्लस, अगर जब भी आप इस फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। बट ध्यान रखिए कि इस कंडीशंस के, यानी कि इस स्कीम के आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि नेहा, अगर हमारा बच्चा जो कि माइनर है वो इनकम अर्न कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वेल, अगर आपका बच्चा एक माइनर है और इनकम अर्न करता है तो क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं। क्लबिंग मीन्स पेरेंट्स के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आपका बच्चा अपने स्किल सेट से कुछ अर्न करता है तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज पेरेंट्स के हैंड में ही क्लब होगा। अब पॉइंट आता है कि बच्चा अपने स्किल सेट्स को कैसे यूज कर रहा है, ये हमें कब पता चलेगा? वेल, लेट्स से अगर आपका बच्चा KBC में जीत जाता है, अपनी नॉलेज से वो जीत के आया और सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीत जाता है, उसने खुद गाया और उस कॉम्पिटिशन को जीता, तो ये सब उसके स्किल सेट की वजह से उसने अर्न किया, तो इसलिए ये इनकम भी टैक्सेबल उसी के हाथ में होगी और उसको ही ITR फाइल करनी होगी। और माइनर का पैन नंबर लेना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, बहुत इजीली माइनर का पैन नंबर भी मिल जाता है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।